के हो रही है मेरी सब्जी की तैयारी सुबह के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए। उनको लंच में भी लेके जानी पड़ती है, तो यहाँ काट रही हूँ मैं घी, ये राम तोरी काट रही हूँ, और सुबह के लिए नाश्ते में लेके जाएंगे, और दोपहर को मेरे को भी हो जाएगी, नाश्ता भी हो जाएगा ये। तो शाम को ही तैयारी करनी पड़ती है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी जल्दी सब्जी भी काटो और सारा काम करो, तो रात को ही तैयारी कर लें सुबह की, तो जल्दी जल्दी फिर सुबह काम हो जाता है। और सुबह तो फिर टाइम इतनी जल्दी हो जाता है कि इतना टाइम लगता ही नहीं है कि सब्जी काटो, ये काम करो, वो काम करो। तो ये देखो मैंने राम तोरी काट ली, और अपनी क्यारी में ही ये बाहर लगी हुई थी। तो हेलो जी, जय श्री राधे। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश भी हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बजे, और 5 बजे ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा। तो ये ना सुबह काटी थी, ये देखो काटी थी नहीं सॉरी तोड़ी थी ये सब्जी, कद्दू थे, ये छोटे छोटे बैंगन है, और करेले, ये पपीता। पपीते की सब्जी भी ना बड़ी टेस्टी होती है, और ये भिंडी है ना, ये पहले लेके आई थी मैं खेत से, लेकिन ये फिर क्या बोलते हैं हमारी भाषा में तो उसको कुराड़ी बोलते हैं। कुराड़ी मतलब कि ये बनाने लायक नहीं होती है, इस बहुत सख्त हो गई है ये। और जो छोटी छोटी थी वो तो मैं बना ली, तो ये ऐसे आ गई थी गलती से। बाकी और भी थी भिंडियाँ जो पक चुकी थी, मतलब सख्त हो गई थी, वो तो मैं उधर ही रहने दी। और ये कद्दू हो गया है, तो चलो जैसा है कि अपना गुजारा जितना हो ही जाता है। अब मैंने तो सब्जी तोड़ी नहीं थी, तो ये आए तो इन्होंने तोड़ी सब्जियाँ, और इस तरह से। और अभी काटी मैंने राम तोरी सुबह के लिए, और अभी बनाऊँगी आज मक्की की रोटी और कढ़ी। तो मक्की की रोटी बनाऊँगी आज मैं बाहर चूल्हे पर, तो लकड़ियाँ वगैरह मैंने दिन में ही आज सूखने डाल दी थी धूप में। और खेत के काम लगे हैं, तो बस कल और आज जो था वो खेत में मक्की वगैरह काटी थी, और वो खोली भी सारी, तो अब धूप में डाल दिया। वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी निकली है मुझे, जो मैंने एक खेत तो बीजा था, एक और बीजा था नीचे, जैसे बहुत नीचे, पर वो मतलब इतनी हुई नहीं वहाँ पे, और दूर है ना वो, बहुत ज़्यादा दूर है वो नीचे जैसे है, तो उतराई चढ़ाई है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर की है उसकी, नीचे जो पहाड़ी के नीचे मतलब उतराई चढ़ाई पड़ती है, तो वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे होगी है थोड़ी। मतलब चलो जितने हैं हम दो तो हैं खाने वाले, तो मक्की कम ही खाते हैं, तो जितनी मतलब हम दोनों के लिए बहुत है, बहुत नहीं है बहुत ज़्यादा है। तो अभी मेरी चाय वगैरह भी होगी है, और फिर मिलती हूँ मैं अब आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे बना रही हूँ मैं मक्की की रोटी, और पहले तो मैं ना नीचे लगाती थी ये चूल्हा, जो लोहे का चूल्हा है ना, नीचे जलाती थी, लेकिन आजकल जो है वो नीचे जलाना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि नीचे ना फिर मेरे को सांप सूप का भी डर लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर ले आई हूँ। तो यहाँ पे अच्छा है, सेफ भी है, और मतलब है तो थोड़ी सी जगह है ये, पर यहाँ पे ठीक रहता है खाना, मतलब रोटी वगैरह बनानी हो तो। और यहाँ पे ये फिर है आज की क्लिप, आज कौन सा डे है, मंगलवार। तो मंगलवार सुबह को मैं और प्रियंका जा रहे हैं मार्केट, हमीरपुर जा रहे हैं हम, थोड़ा सा मुझे सामान लाना था, थोड़ा सा प्रियंका को काम था, और थोड़ा सा जो रीनू दीदी है ना ननद हमारे, वो भी आएंगे, तो वो हमें बूटा बाज़ार में मिलेंगे, फिर वहाँ से हम इकट्ठे जाएंगे। तो हमीरपुर में थोड़ा सा सामान उनको भी लाना था, तो बस ये पहुंच गए हम हमीरपुर में, और हमीरपुर सुबह सुबह ही पहुंच गए थे हम, कम से कम कोई 10:30 बजे हम हमीरपुर में थे। तो यहाँ सामान वाम लिया, और उसके बाद फिर हम खाया पिया, क्योंकि भूख भी बड़ी ज़्यादा लगी थी, सुबह मैं नाश्ता करके नहीं गई थी, तो दिल कर रहा था कि कुछ खाऊं। तो यहाँ पे फिर पहले हमने बोला कि चलो पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर सामान लाएंगे, भाई पहले पेट पूजा है फिर काम दूजा है, तो ये कहावत बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये देखो मैं, रीनू दीदी और प्रियंका। तो रीनू दीदी तो भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें लाते हैं, और बस मतलब हंसाते ही रहते हैं। और यहाँ पे फिर हम बैठ गए थे, खाना कुछ भी मतलब पहले तो सोचे थे क्या खाएं, तो फिर यहाँ पे चने टिक्की ये मिलती है, तो पहले ये खाया, उसके बाद फिर चले गए मोमो खाने, तो फिर वहाँ पे जाके हमने मोमो खाए।
अभी पहुंच गए हम घर पे, और घर पहुंच गए थे हम कोई 3 बजे, फिर बस आके जो है वो सो गई थी, और बस अभी थोड़ी देरी हुई है, मतलब कोई 3 बजे सोई थी, मतलब आके सो गए थे, उसके बाद कोई 1.5-2 घंटा रेस्ट की, और फिर उठ गई, और फिर आ गया था अंशु का फ़ोन, तो उससे बात बूत की, और बस अभी फिर मुझे वीडियो का एंड करना था, तो मैंने सोचा कि अभी चलो फिर से ये वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आपसे बात कर ली। तो इस तरह से रहा मेरा ये कल का मंडे और ट्यूसडे का दिन, दोनों दिन, कल का और आज का दिन। तो बस एक ना मुझे मार्केट में कुछ और सामान भी लेना था, जो सामान जिस चीज़ के लिए मैं स्पेशल गई थी वो सामान मुझे मिला नहीं, मिला भी था लेकिन रेट कुछ ठीक नहीं बैठा, और फिर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक तक आएगा वो दोबारा, तो तब देखूंगी मैं जाके फिर से। और अब तो नवरात्रे भी आ रहे हैं, तो नवरात्रों की तैयारी भी करनी है, तो बस उसी से रिलेटेड मुझे कुछ सामान चाहिए था। तो रेट, मतलब मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ लेनी थी कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ उसको लेने के लिए, तो अभी देखती हूँ। आज भी गई थी लाने पर नहीं, मतलब 2-3 दुकानें पूछी, तो एक दुकान, दो दुकानों में तो मुझे मिला नहीं, लेकिन जिस दुकान में मुझे मिला था वो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक तक और स्टॉक आ जाएगा तो आप देख लेना। तो फिर बस जाती हूँ 5-7 दिन के बाद दोबारा, फिर देखते हैं। तो बस ये फिर आज की वीडियो यहीं पे मैं इसका एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।